हम सोच रहे हैं अपने आईपीएल को बीट करना है, अब सबसे पहले सोचना पड़ना है वुमेन्स की आईपीएल को बीट करना है। हम तो कह रहे थे कि भाई दुनिया की आईपीएल के बाद दूसरी बड़ी लीग पीएसएल है, लेकिन यार ये तो एक और जो आईपीएल के बाद बड़ी लीग आ गई है। जितनी भी लीग खेली जा रही है, कैरेबियन प्रीमियर लीग, बीपीएल, कोई भी जो लीग है, वो जो मेंस की लीग की मैं बात करूं, वो इस वुमेन्स की कंपटीशन में नहीं आ रहा। वुमेन्स की है अली साहब की 5,000 करोड़ बन रहे हैं पीकेआर में, इसकी अगर आप कंपटीशन में करें तो दुनिया में कहीं भी जो मेंस की लीग है, मेंस की लीग, वो भी इसके नेड़े नहीं आ रही। हम तो अभी सोच रहे थे भाई आईपीएल का मुकाबला किसी तरह से किया जाए, कंपैरिजन कर रहे होते थे लोग आईपीएल वर्सेस पीएसएल, लेकिन आप मुझे लगता है कि भाई पहले तो हमें जो है वो अपनी पीएसएल को वो मेंस की जो आईपीएल है उसके करीब लेके जाना होगा, उसके बाद जो है मेंस की आईपीएल के बारे में सोचना। बीसीसीआई ने जो है आज वैकॉम 18 के साथ एक ब्रॉडकास्ट डील साइन की 5 साल की, जो कि विच इज वर्थ 925 इंडियन करोड़, विच ट्रांसलेट्स इनटू 116 मिलियन डॉलर्स। अगर आप उसको पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करें तो बहुत डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। अब आप देखें ये तरीका होता है एक टूर्नामेंट लॉन्च करने का, एक लीग लॉन्च करने पहले से मतलब जो है, और अभी टीमें बिकनी है, ये देखें आप, मजे की बात है कि अभी 5 जो फ्रेंचाइजीज होंगी वो अभी बिकनी है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक जो काम बड़ा सेंसिबल किया है कि क्योंकि बीसीसीआई ने सोच लिया है कि वो मार्च में लॉन्च करने वाले हैं बिफोर द मेन आईपीएल, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सोच रहा था कि मार्च में अपना वुमेन्स लीग लॉन्च करे, इंटरनेशनल वुमेन्स लीग, लेकिन नाउ दे हैव डिसाइडेड दे विल होल्ड इट इन सितंबर। इट वुड हैव बीन स्टूपिड टू हैव इट इन मार्च, क्योंकि फिर क्लैश होता है वुमेन्स आईपीएल से, और मैं नहीं समझता कि जितना पैसा वुमेन्स आईपीएल में कोई इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ एनी स्टैंडिंग वो आके पाकिस्तान में खेलता, क्योंकि हम इतना पैसा दे नहीं पाते। जैसे कि आप जानते हैं कि वुमेन आईपीएल शुरू होने वाले हैं और अभी वुमेन आईपीएल के मीडिया राइट्स सोल्ड हुए, और जितने में वुमेन आईपीएल के मीडिया राइट्स बिके हैं, रकम सुनकर पाकिस्तानी मीडिया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। 951 करोड़ को पाकिस्तानी करेंसी में हर बार कन्वर्ट करने पर पाकिस्तानी चौंक जाते हैं, क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू बिजली की रफ्तार से नीचे आ रही है, इसलिए हर बार उन्हें नई वैल्यू रिसीव होती है। पिछले साल बीसीसीआई ने अनाउंस भी कर दिया था कि वुमेन क्रिकेटर्स को भी सेम मैच फीस मिलेगी, जो कि 15 लाख पर टेस्ट मैच, 6 लाख पर ओडीआई और 3 लाख पर टी20 होगी। आज जरा वुमेन्स की बात हो रही है, जरा अपनी वुमेन्स की भी बात करते हैं ना। हमारी वुमेन्स ऑस्ट्रेलिया में जाके कहते हैं ना, बड़ा हमारा सर फकड़ से ऊपर किया, जरा उस पर डिस्कशन थोड़ी करते हैं। पाकिस्तानी वुमेन्स पहला ओडीआई मैच 160 पे 8 आउट 40 ओवर में करती है, क्योंकि 50 ओवर का मैच होता है, 40 ओवर में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर ये टारगेट 28 ओवर के अंदर चेस कर लेती है। इससे पहले हमारी वुमेन्स का एक क्लब की टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया की मैच हुआ था, ये क्लब की टीम से भी हार गए थे, उस पर सवाल उठे थे कि अगर ये इनसे हारे तो ऑस्ट्रेलिया की माइटी ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक टीम से कैसे जीतेंगे, और वही हुआ। बोलिंग भी उन्होंने इतनी जबरदस्त की, हमसे रन नहीं, उसके बाद जब बल्लेबाजी करने आए तो उनकी इसको कहते हैं बल्लेबाजी ने हमारा बुरा हाल करके रख दिया, ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा मत होया हमें, हम क्या से क्या करें। मैं किसी का एनालिसिस सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात की हुई थी, जो वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर बोलिंग के अंदर हमारी लड़कियां ना चौथे नंबर पर, उसको हम टीम में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि कहा जाता है कि वो फील्डिंग में अच्छी नहीं है, हमने अच्छी बॉलर को जो एक ही थी हमारे पास उसको बाहर बिठाया हुआ है, तो मतलब कि इंसाफ तो फिर वुमेन्स की टीम के अंदर भी नहीं ना हो रहा। यहाँ भी सियासत घुसी है, यहाँ पे भी कहते हैं ना पॉलिटिक्स चल रही है, हर एक ने अपना जिसको कहते हैं ग्रुप बनाया हुआ है, तो ये चीजें जब तक रहेंगी टीम कामयाब नहीं होगी वुमेन्स को। और इसने पीएसएल को ऐसा लगता है कि पीछे छोड़ दिया है, मीडिया राइट्स को अगर देखा जाए तो भाई साहब क्या कमाल हो गया है, 951 करोड़ में जो है वो मीडिया राइट्स इसके जो है वो सॉल्व हो चुके हैं, 951 करोड़ ये इंडियन रुपीस में, और पाकिस्तानी रुपीस देखें तो 2665 करोड़ और 951 करोड़ भी पीएसएल का पूरा जो मुनाफा होता है वो नहीं होता है, और यहाँ पर जो है वो 2665 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में और 951 करोड़ इंडियन रुपीस में जो आईपीएल वुमेन्स आईपीएल के जो मीडिया राइट्स हैं वो जो सॉल्व हो चुके हैं। भाई ये दुनिया की दूसरी बड़ी लीग बनने जा रही है ऐसा लग रहा है। दुनिया की सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव लीग कौन सी है आफ्टर आईपीएल? आईपीएल तो नंबर वन पे था ना, दूसरे नंबर पे कौन आता है? पीएसएल आती है, बिग बैश आती है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग आती है, कैरिबियन लीग आती है, साउथ अफ्रीका लीग आती है, एमरेट्स क्रिकेट लीग आती है, कौन सी लीग आती है? इनमें से कोई भी नहीं आती कि अब तो आदमियों को जैसे कहते हैं चुपचाप कोने में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि वुमेन्स ने सारा मैदान मार लिया। आईपीएल वुमेन्स आईपीएल जो हम सुनते आ रहे थे फाइनली उसके मीडिया राइट्स सोल्ड हो गए और दुनिया की क्रिकेट के अंदर सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव लीग बन गई है। 951 करोड़ के अंदर उसके मीडिया राइट्स इंडियन करेंसी के अंदर सोल्ड हुए, पाकिस्तानी करेंसी की मैं बात करूं तो 2665 करोड़ के अंदर आईपीएल वुमेन्स के मीडिया राइट्स सोल्ड हुए। वुमेन्स का आईपीएल का ऑप्शन हुआ और बात वही है कि करोड़ों रुपए की कहानी बिकी है। इवन अगर आप बाकी लीग्स की बात कर लो, जितनी भी लीग्स हैं, जितनी भी लीग्स खेली जा रही हैं, कैरेबियन प्रीमियर लीग, बीपीएल, बिग बैश, आपका पीएसएल भी इसको में ले लें आप, और कौन सी लीग्स हैं, टी20 ब्लास्ट हो गए, कोई भी जो लीग है वो जो मेंस की लीग की मैं बात करूं वो इस वुमेन्स की कंपटीशन में नहीं आ रहा। इनकी जो राइट्स बिके हैं दो वुमेन्स के बिके हैं, वो एक बिका है जी 951 करोड़ में और दूसरा 1,000+ करोड़ में। इमेल में लाकर अगर आप देखोगे तो ये 2,000 करोड़ के बिके हैं, 2,000 करोड़ इंडियन रुपीज में, और पीकेआर में करोगे तो तकरीबन 5,000 करोड़ ही बन जाता है। 5,000 करोड़ हमारी जो पीएसएल है वो जो अभी आपने एक सेशन का ये जो दे रहे हैं तकरीबन 400 करोड़ आपका जो है वो आप एक सेशन आपका जो एक मीडिया राइट्स है एक आप कह लो के जो पीटीवी और ए स्पोर्ट्स ने जो मिलकर इसकी बिडिंग की थी वो तकरीबन 400 करोड़ का एक पीएसएल करवाते हैं। 4 साल का ये है 2023 से 2027 तक का, अगर आप उसको कन्वर्ट करो बाकी जितनी भी लीग्स हैं अगर आप करो 400-500 को अगर आप 4 टाइम करो तो 1,600 करोड़ बनता है। तो कहां 1,600 करोड़ और कहां वुमेन्स के अकेले में 5,000 करोड़, ये अगर आप फर्क देखें तो आईपीएल एक बार फिर ये वुमेन्स की भी बता रही है जी कि ये सबसे जो बाकी जितनी भी बांग्लादेश के अगर आप ले लो, बांग्लादेश को जो मीडिया राइट्स है वो कहा जा रहा है जी 200 करोड़ से भी नीचे है, 200 करोड़ से भी नीचे उनका एक मीडिया राइट्स है बीपीएल का। तो अगर आप इसको 4 साल से कन्वर्ट करो तो कितना बनेगा 800 करोड़। तो कहां 800 करोड़ बांग्लादेश की प्रीमियर लीग की और कहां ये अकेली वुमेन की, वुमेन तो क्रिकेट देखी नहीं जाती, 5,000 करोड़ वही अगर आप टी20 ब्लास्ट की ले लो तो वो
कहा जाता है जी कि वो भी 150-200 करोड़ के दरमियान आपकी सिस्टम होता है। बिग बैश ले लो, वो आपकी 500 करोड़ की बिक जाती है। अभी उन्होंने कुछ बताया था 600 करोड़ का सेशन बिक जाता है। तो कोई भी दुनिया की लीग सीपीएल ले लो, वो भी 250 करोड़-200 करोड़ की बात होती है। एक साल की बात कर रहा हूँ, ये 5,000 करोड़ है 4 साल का। कोई भी आप लीग कॉम्पिटिशन में ले आओ तो ये जो वुमेन की जो आईपीएल है, पता नहीं कोई देखेगा नहीं देखेगा वो तो अलग बात है, लेकिन बात नहीं देखेंगे आपको। हम लोग तो कम इंटरेस्ट रखते हैं वुमेन्स में, देखते हैं कभी कभी मैच देख लिया तो देख लिया, शौक से देखते हैं वो अलग बात है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप देखते हैं जो वुमेन्स की है साहब, ये 5,000 करोड़ बन रहे हैं पीकेआर में, इसके अगर आप कंपटीशन में करें तो दुनिया में कहीं भी जो मेंस की लीग्स है, मेंस की लीग्स वो भी इसके नेड़े नहीं आ रही। तो ये अब आया, अब देख लें इंडिया की मार्केट बहुत ही बढ़िया है, इसकी ह्यूज कमाई है। उसी तरह रमेश राजा के भी जिद चढ़ गई कि मैंने जूनियर लीग करा। मजे की बात ये थी कि वो जूनियर लीग के लिए ना तो उनको कोई प्रॉपर स्पॉन्सर मिला, ना कोई प्रॉपर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिके, और पीसीबी को अपनी जेब से ही खर्च करना पड़ा पहला सीजन कराने के लिए। तकरीबन कोई करोड़ों में, ठीक ठाक 1 अरब के करीब जो है सुना है कि खर्च हो गया पीसीबी का, मतलब जूनियर लीग कराने में। अब वही है कि जो नया सेटअप आया नजम सेट्टी वाला, उन्होंने आते ही उसको स्क्रैप कर दिया, ये कहकर ये तो बहुत लॉस वाला टूर्नामेंट है पाकिस्तान के लिए और पीसीबी के लिए, हम नहीं करा सकते ये आगे। अब ये होती है कि दिस इज कॉल्ड पोअर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट हैंडलिंग योर फाइनेंसिस प्रॉपर्ली, यू आर लॉन्चिंग अ प्रोजेक्ट विदाउट हैविंग द फाइनेंशियल व्हाट यू कॉल इट स्ट्रेंथ टू होल्ड दैट टूर्नामेंट, ठीक है। और कोशिश हमेशा ये होती है कि जब एक नया प्रोजेक्ट आप लॉन्च करते हैं तो अगर प्रॉफिट नहीं पहले सीजन में, तो आपकी कोशिश ये होती है कि चलो यार ब्रेक इवन ही हो जाए, हमारी कॉस्ट जो है वो कवर हो जाए। तो ये पीसीबी ने किया नहीं। अब आप आए कंपेरिजन टू बीसीसीआई, लोगों को बड़ी बुरा लगता है कि यार भाई आप जो है इंडिया की तारीफ करते हैं, लेकिन मैं फैक्ट स्टेट कर रहा हूँ। अब आप देखें आज विमेंस क्रिकेट को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। बूस्ट कैसे मिला? बीसीसीआई ने जो है आज वैकॉम 18 के साथ एक ब्रॉडकास्ट डील साइन की 5 साल की, जो कि विच इज वर्थ 925 इंडियन करोड़ रुपीज़, अगर आप उसको पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करें तो बहुत डबल से भी ज्यादा हो जाती है। अब आप देखें ये तरीका होता है एक टूर्नामेंट लॉन्च करने का, एक लीग लॉन्च करने के पहले से ही मतलब जो है, और अभी टीमें बिकी नहीं है। ये देखें आप मजे की बात है कि अभी 5 जो फ्रेंचाइजीज होंगी वो अभी बिकनी है, और वो जो मतलब चीजें सामने आ रही है वही आ रही है कि जो फ्रेंचाइजीज ऑलरेडी खेलते हैं मतलब आईपीएल में, मेंस आईपीएल में, वही जो है उन्होंने बिड्स की है, और 25 जनवरी को जो है बिड्स खुलेंगी और 5 टीमें वो बिक जाएंगी, वो और पैसे आएंगे। इवन बिफोर द टूर्नामेंट हैज बीन लॉन्च्ड, बीसीसीआई हैज मेड इट्स विमेंस आईपीएल लीग फाइनेंशियली वेरी स्ट्रांग एंड स्टेबल। और यही तरीका होता है यार, आप चाहे छोटे कंज्यूमर मार्केट में हो या बड़े कंज्यूमर मार्केट में, किसी ने आपसे नहीं कहा था पाकिस्तान क्रिकेट में कि आप करोड़ रुपया खर्च करें सिर्फ मेंटर्स को लाने में, मेंटर्स को करोड़ रुपया आप उठा के दे दें अपनी मर्जी से, और इतना मतलब $16,000 US डॉलर्स की आप जो है सैलरीज दे दें यंग प्लेयर्स को जूनियर पे, ये जाया था पैसा, ये ज्यादा था पैसों का, साफ सीधी बात है ये ज्यादा था। अगर करना ही था पाकिस्तान जूनियर लीग तो उसको छोटे लेवल पे भी किया जा सकता था, कम पैसों भी किया जा सकता था। और इन द एंड अगर आप सच बात मुझसे पूछे तो इन द एंड जो फॉरन प्लेयर्स आए भी खेलने के लिए, कितने आए फॉरन प्लेयर्स खेलने और कितने खिलाए गए आप ये देखें। और उसमें भी सुना है कि अभी तक पैसे क्लियर नहीं हुए प्लेयर्स के, जो उनको कहा गया था देने का अभी तक दिए नहीं गए, पूरे पैसे नहीं दिए गए, पता क्या सिलसिला है। तो यू नो दिस इज द वे यू एडमिनिस्ट्रेट क्रिकेट, आप पहले अपनी प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली स्टेबल करते हैं फिर आप जो है उसको लॉन्च करते हैं। तो विमेंस आईपीएल इंडिया इज गोइंग टू बी अ बिग बूस्ट फॉर मेंस क्रिकेट। आईपीएल के बाद दूसरी बड़ी लीग पीएसएल है, लेकिन यार ये तो एक और जो वो आईपीएल के बाद बड़ी लीग आ गई है और इसने पीएसएल को ऐसा लगता है कि पीछे छोड़ दिया है। मीडिया राइट्स को अगर देखा जाए तो भाई साहब क्या कमाल हो गया है, 951 करोड़ में जो है वो मीडिया राइट्स इसके जो है वो सॉल्व हो चुके हैं, 951 करोड़ ये इंडियन रुपीज में, और पाकिस्तानी रुपीज देखें तो 2665 करोड़ और 951 करोड़ भी पीएसएल का पूरा जो मुनाफा होता है वो नहीं होता है, और यहाँ पर जो है वो 2665 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज में और 951 करोड़ इंडियन रुपीज में जो आईपीएल वुमेन्स आईपीएल के जो मीडिया राइट्स है वो जो सॉल्व हो चुके हैं। भाई ये दुनिया की दूसरी बड़ी लीग बनने जा रही है ऐसा लग रहा है, यकीन माने। और मैंने तो इतना नहीं सोचा हुआ था कि यार वुमेन्स आईपीएल के भी इतना यानी कि जो एक्सपेंसिव जो होगा सिस्टम, ये मैंने नहीं सोचा हुआ था। और आप देखें कि जो ये वियाकॉम 18 जो है वो उन्होंने ये राइट्स जो खरीदे हैं, और उसके बाद जो टीवी पर अगर देखें तो स्पोर्ट्स 18 जो ये मैचेस दिखाया करेगा, और डिजिटल प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो वहां पर अगर देखें तो जियो सिनेमा जो ये मैचेस दिखाया करेगा, जो आईपीएल वुमेन्स मेंस आईपीएल के मैचेस भी दिखाता होता था। यानी कि ये लीग भी भाई दुनिया की बड़ी लीग बनने जा रही है। तो आईपीएल के बाद अब आप देखेंगे कि वुमेन्स आईपीएल भी इंडिया में छाने वाला है। तो हम तो अभी सोच रहे थे कि भाई आईपीएल का मुकाबला किसी तरह से किया जाए, कंपैरिजन कर रहे होते थे लोग आईपीएल वर्सेस पीएसएल, लेकिन आप मुझे लगता है कि भाई पहले तो हमें जो है वो अपनी पीएसएल को वुमेन्स की जो आईपीएल है उसके करीब लेके जाना होगा, उसके बाद जो मेंस की आईपीएल के बारे में सोचना होगा। सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव जो ये लीग बनने जा रही है वुमेन्स आईपीएल, कमाल हो गया। उसके बाद यार ऋषभ पंत जो वो आज जो उन्होंने ट्वीट किया है और अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया, बीसीसीआई का शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने बताया कि मेरी जो रिकवरी है वो हो रही है भाई, और जो मैं आपको क्रिकेट के मैदानों में जो आने वाले वक्त में नजर आऊंगा। 12-16 मंथ तो अभी आप नहीं नजर आएंगे, उसके बाद ही नजर आएंगे। हमारी दुआ है कि यार जल्द से जल्द हम ऋषभ पंत को जो है मैदान में खेलते हुए देखें, भाई मिस कर रहे हैं इस बंदे को।